Hi friends, this is Sanchita and you are watching Short Time Secret. तो friends, आज मैं आपके साथ share करूंगी तीन best homemade natural face cleanser with face mask और तीन अलग अलग skin problems के लिए जो आपके skin को deeply clean करेगा, skin pores पे जो extra oil, धूल, मिट्टी, dirt, pollution होता है उसको remove कर देगा और skin pores को tighten करेगा, skin से dark spot को clean करेगा और आपके skin को healthy, clean, clear, naturally glowing और bright बना देगा। और इन तीन फेस मास्क को बनाने के लिए मैंने इसमें एक ही मेन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया है जो है बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, जिसके अमेजिंग बेनिफिट से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर फ्रेंड्स वीडियो देखने से पहले आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी जरूर क्लिक कर देना, इससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके फोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरे सारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे, किसी भी वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो हमारा पहला रेमेडी है डीप क्लींजिंग फेस मास्क फॉर इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 टेबलस्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर ले लीजिए, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून हनी और थोड़ा सा रोज वाटर और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए हमारा स्किन ग्लोइंग डीप क्लींजिंग फेस मास्क रेडी है। अब इसको लेकर फेस को जेंटली मसाज कीजिए 1 से 2 मिनट तक और फिर इसको पूरे फेस पर अप्लाई करके 10 टू 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 टू 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। और फेस वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके स्किन से सारे डेड स्किन रिमूव होकर स्किन एकदम क्लीन, क्लियर और सॉफ्ट हो चुका है, ब्राइटन हो चुका है और इंस्टेंट ग्लो कर रहा है। और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हमारा सेकेंड रेमेडी है ग्राम फ्लोर फेस मास्क फॉर इंस्टेंट ब्राइटन स्किन, जिसके लिए आपको सबसे पहले 2 टेबलस्पून बेसन लेना है, फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए 2 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही और 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मिक्स करने के बाद हमारा स्किन ब्राइटनिंग ग्राम फ्लोर का फेस मास्क रेडी हो जाएगा। तो अब आप इसको अप्लाई कर लीजिए और इसे अप्लाई करके 15 टू 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 15 टू 20 मिनट बाद आप ठंडे ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर स्किन पोर्स को डीपली क्लीन करने का काम करेगा, कर्ड यानी कि दही स्किन पे इंस्टेंट नेचुरल ग्लो ऐड करेगा और हेल्दी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटन बनाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ब्राइटन स्किन पाना चाहते हैं तो ग्राम फ्लोर की इस फेस पैक को हफ्ते में 3 से 4 बार करके जरूर इस्तेमाल करें। तो अब हमारा लास्ट रेमेडी है ग्राम फ्लोर फेस मास्क फॉर रिमूव डार्क स्पॉट। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले 2 टेबलस्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर ले लीजिए, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून लेमन जूस और 3 to 4 टेबलस्पून रॉ मिल्क और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए मिक्स हो जाने के बाद हमारा डार्क स्पॉट रिमूविंग फेस मास्क रेडी हो चुका है। अब इसको लेकर आप अपने क्लीन फेस पर अप्लाई कर लीजिए और इसे अप्लाई करके 20 टू 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर 20 टू 25 मिनट बाद जब फेस मास्क ड्राई हो जाएगा तब फेस को इस तरह से अच्छे से रफ करते हुए क्लीन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बेसन, रॉ मिल्क और लेमन जूस से बना हुआ ये फेस मास्क डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में बहुत अमेजिंग वर्क करता है और साथ ही ये इंस्टेंट स्किन पे नेचुरल ग्लो ऐड करता है, ब्राइटनेस ऐड करता है। तो अगर आप बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं, डार्क स्पॉट को रिमूव करना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो आप इसे हफ्ते में 4 बार करके जरूर इस्तेमाल करें, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था 3 अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए 3 अलग अलग फेस मास्क, जिसे बनाना भी काफी इजी है और इसको इस्तेमाल करके रिजल्ट भी आपको बहुत ही अमेजिंग मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और भी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए मैं संचिता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।